नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूँ विकास। आज के इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जिस प्रकार आपने थंबनेल में देखा है कि प्लास्टर को करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान में रखना है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आप पूरा बने रहिए, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम है कि प्लास्टर करते समय आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, ये सभी के साथ होती है। आज के इस वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने वाले हैं। यदि आप वो आपके घर में या आपके किसी भी कस्टमर साइट पर आप यूज करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो आपको कभी भी क्रैक्स नहीं आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जब भी प्लास्टर करते हैं तो हमें प्लास्टर किस पर करना होता है, हमारे ब्रिक वर्क पे। दीवार जो होती है आपकी ब्रिक वर्क, उस पर आपको प्लास्टर करना होता है। अब प्लास्टर करने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी लेबर आपका प्लास्टर करने वाली है, जैसे प्लास्टर कौन करेगा, आपका मिस्त्री करता है, मेसन करता है, लेकिन जो माल बना रहा है वो इम्पोर्टेंट है कि वो जो माल बना रहा है लेबर, वो माल कितने का बना रहा है। नॉर्मली हम जो प्लास्टर करते हैं उसमें 1:4 का और 1:6 का आपका मिक्सचर बनता है। अब इसमें बात आती है कि आप जब बाहर की दीवारों पर प्लास्टर करते हैं तो उसमें आपको 1:6 का, मतलब 1:6 आपको लेना है, और जब घर की दीवारों के अंदर, मतलब अंदर वाली जो दीवारें होती हैं जो पार्टीशन के लिए यूज होती है, उसके लिए आपको 1:4 का माल यूज करना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका वन पार्ट है वो होगा आपका सीमेंट, और 6 पार्ट या 4 पार्ट जो है वो है आपका सेंट का, ठीक है। इसको यूज करते समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो प्लास्टर है, जो मतलब आपका मोर्टार बनने वाला है, उसी से आपके ब्रिक वर्क को स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है ना। अब आप माल बनाने के चक्कर में या मटेरियल को कम यूज करें, इसके लिए आप क्या करते हैं, माल बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है स्टूडेंट, कि यदि आप 1:6 यूज कर रहे हैं, वहां पर आपने 1:8 यूज कर लिया, 10 यूज कर लिया, 7 यूज कर लिया, मतलब इनप्रॉपर मिक्सर आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको हमेशा क्रैक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1 महीने 2 महीने 10 महीने 2 साल बाद आपको जरूर के एक समान देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहले चीज है कि जो भी मिक्सर बना रहा है उसको आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि 1:6 यूज करना है या फिर 1:4 यूज करना है, ठीक है। ये दो ही रेशो यूज होते हैं आपकी बिल्डिंग में प्लास्टर के लिए, ठीक है ना। और यदि आप सिलिंग का प्लास्टर कर रहे हैं तो उसमें भी आप 1:4 यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप प्लास्टर करने वाले होते हैं उसके ठीक पहले, जैसे आपने दीवार खड़ी करी है, उस दीवार में जितनी भी ब्रिक्स यूज होने वाली है उसको, उसकी आप अच्छे से क्यूरिंग कर दीजिए, मतलब उसको पानी में अच्छे से भिगो कर रखिए, क्योंकि ईट जो होगी आपकी जितना वाटर एब्जॉर्ब करना चाहेगी उतना वो कर लेगी सफिशियंट टाइम में, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जब भी आप प्लास्टर करेंगे आपकी दीवारों में, तो ब्रिक क्या है कि प्लास्टर से पानी ना ले रहे, यदि प्लास्टर का पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया ब्रिक ने, तो वहां पर आपका जो वाटर सीमेंट रेशो है किसके लिए, प्लास्टर के लिए, वो कम हो जाएगा। तो वहां पर जो भी आपका मिक्सचर है वो सूख जाएगा, ड्राई मिक्सचर हो जाएगा, उससे आपका क्रैक्स वहां पर दिखने लगेंगे, ये आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ईंटों को अच्छे से भिगो कर रखना है। प्लास्टर करने से थोड़ी सी देर पहले भी आप वाटर का छिड़काव वहां पर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा ऑप्शन हम आपको ये बता देते हैं कि आप एक बकेट ले लीजिए, एक बाल्टी ले लीजिए या एक तगारी ले लीजिए, उसमें आप सीमेंट को घोल लीजिए एक्स पर रिक्वायरमेंट, और उसका छिड़काव आप आपके दीवारों पर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो ब्रिक्स में जो पोर्स है, छेद वगैरह है, होल्स है, वो फिल आउट हो जाएंगे और प्लास्टर उसकी अच्छे से पकड़ कर लेगा। तीन चीज हो गई है। और आपको प्लास्टर करने के बाद सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब आपको प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको वहां पर क्यूरिंग करना है थोड़े टाइम के बाद, या सुबह प्लास्टर करना स्टार्ट हुआ है तो आप इवनिंग तक थोड़ी सी छिड़काव कर दीजिए, या अगले दिन आप वहां पर वाटर का छिड़काव कर सकते हैं। वाटर की क्यूरिंग आपको बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पर, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस टाइम पर मटेरियल बन रहा है, आप पॉसिबिलिटी ये रखिए कि वहां पर आपका उसी टाइम में आपका प्लास्टर हो जाए। जैसे आप मान लीजिए लेबर आती है सुबह 9 बजे, तो आपने 10 बजे तक मिक्सचर बनाया और वो वाला मिक्सचर आप शाम को 5 बजे यूज कर रहे, तो ये गलती आप कभी ना कीजिएगा। इससे क्या हुआ कि सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सीमेंट आपकी प्योरी कंडीशन नहीं ले पाता है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। तो यदि आप उसका यूज करते हैं आपकी दीवार में तो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उससे अच्छा होगा कि आप उसको फेंक दीजिए या फिर आपके फ्लोर पर बिछा दीजिए,
ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है कि सुबह का माल बना हुआ शाम को यूज कर रहे हैं। 1-2 घंटे का अंतर चल सकता है, 3 घंटे का, बट इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। हैंड टू हैंड कीजिए, माल इधर बन रहा है, बिस्तर इधर प्लास्टर कर रहा है, इन चीजों का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट चीज हम आपको ये बता देते हैं, जब भी प्लास्टर पर फिनिशिंग के लिए वो जो वाइपर होता है वो चलाता है, वो अच्छे से चलाएं, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हल्के हाथ से चला रहा है, एक प्रॉपर वे होना चाहिए उसका, ताकि उसमें क्या है कि जो भी प्लास्टर हुआ है वो अच्छे से वहां पर सेट हो जाए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लास्टर करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता लगे। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।